दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्म देखने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना है कि भीड़ और अफवाह जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन द केरला स्टोरी सुपर हिट हो गई। अब भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नसीरुद्दीन के बयान पर पलटवार किया है। मनोज ने कहा है कि नसीरुद्दीन शाह की नीयत में खोट है। नसीरुद्दीन शाह एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी सोच सही नहीं है। मनोज ने कहा कि अगर नसीरुद्दीन को द केरला स्टोरी से दिक्कत है तो वो इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। नसीरुद्दीन ने बीते दिनों कहा था कि आजकल कुछ फिल्मों को प्रोपगेंडा और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के वक्त में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है। लोगों के अंदर बड़ी चतुराई से मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा रही है। एक्टर ने कहा कि वैसे तो ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ हर जगह धर्म की बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन भी उन नेताओं को कुछ नहीं कहता जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। मनोज ने एक बातचीत में कहा, जब इस देश में ऐसी फिल्में बनती थी जिसमें दिखाया जाता था कि एक दुकान से गुजरती लड़की को वहाँ बैठा आदमी गलत नज़रों से देखता है, वहाँ सामने एक पुजारी बैठकर घंटी बजाता है, क्या ऐसी फिल्में दुष्प्रचार को बढ़ावा नहीं देती थी? द केरला स्टोरी फैक्ट्स के आधार पर बनी फिल्म है। इस मामले में पीड़ितों के FIR भी दर्ज है। अगर नसीरुद्दीन शाह के अंदर हिम्मत है तो इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को वे झुटला नहीं सकते। घर पर बैठकर बातें करना आसान है। उन्होंने जो बातें कही है वो एक भारतीय होने के नाते सही नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि प्रोपगेंडा और नफरत से लड़ने के लिए कलाकारों को आगे आना होगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ।